रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया शतक, लगा दी रिकॉर्ड की झड़ी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखा। रोहित इस विश्व कप में कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण उनके आगे बेबस नजर आई। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान के गेंदबाजों को पिच से थोड़ी बहुत मदद जरूर मिली, लेकिन बाद में गेंदबाज बेहद औसत ही दिखे, जिसका फायदा हिटमैन ने खूब उठाया। पाकिस्तान के खिलाफ संभल कर अपनी पारी शुरू करने वाले रोहित ने अपनी टीम के लिए अहम पारी खेलते हुए शतक लगा दिया। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ 113 गेंदों पर 140 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में रोहित ने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ने इस विश्व कप का अपना दूसरा शतक पाकिस्तान के विरुद्ध लगाया। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस विश्व कप का पहला शतक लगाया था। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में उन्होंने 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। वनडे क्रिकेट में रोहित का यह 24वां शतक है। इस विश्व कप के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने 57 रन बनाए। रोहित को तीसरे मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला ये मैच रद्द हो गया था। रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा सबसे बेस्ट स्कोर बनाया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अब भी ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमन के नाम पर है। वर्ष 2003 में साइमन्स ने पाकिस्तान के विरुद्ध नाबाद 143 रन की पारी खेली थी।